हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि शॉर्वरी टेरी हम लोगों को बच्चा देगी एंड सरोगेट, और वो बच्चा जब वो हमें देगी तो मैं और शॉर्वरी उसके माता पिता रहेंगे उस बच्चे के. लेकिन सबका कहना ही है कि अब टेनी का कहना ही है कि अब शॉर्वरी जब मेरी ज़िंदगी से जा चुकी है तो मैं अकेले उस बच्चे को पाल नहीं सकता, तो या तो मैं उससे शादी करूं या मैं वो बच्चे को भूल जाऊं और वो बच्चे को लेके चली जाएगी. तो वही कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स था जिससे उसने फाड़ा. मगर पार्क का इंतजार करना शायद कुछ अलग ही मोड़ ले रहा है. टेनी का घर खोलना कुछ उसका फैसला बनता जा रहा है, क्या कहना चाहिए? मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्या पार्क ने इनकार किया है शादी के लिए? तो अब टेनी हाँ. जो घर छोड़ने का फैसला कर रही है तो क्या कहेंगे पार्क? मुझे नहीं समझ में आ रहा कि टेनी ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही है, और आज तक तो सबसे तेज है वही बताएगा कैसे हो रहा है. मुझे तो पता नहीं, मुझे नहीं पता है क्यों रिएक्ट कर रही हूँ ऐसा. मैं वही जो इतने दिन से पार्थ से कह रही हूँ मुझसे शादी कर ले नहीं तो मैं बच्चा लेके चली जाऊँगी, वही कर रही हूँ. और वो मुझे बोलता है कि हमारे बीच में डील हुई है तो मैं उसे उसका लीगल आंसर दे देती हूँ.